चाहते हैं कि हमारे वजूद से कोई इनकार न करे। मैं अपने वजूद को खोना नहीं चाहता, मैं अपनी कौम के वजूद को खोना नहीं चाहता। हम उस बात से इत्तेफाक पता ही नहीं करते जिसकी वजह से मैंने अल्ताफ से अलहदी इख्तियार की थी और बगावत की थी कि तेरे घर में आग लगी है, तू दूसरों के खेत में पानी डालने जा रहा है, कौन सी अकलमंदी है। 9-0 पर भूले भटके से अगर किसी ने जिए महाजन का नारा लगा दिया तो वहां लिटरली जूते उतार के जूतों से मारा गया और कहा गया जिए महाजन का नारा कोई नहीं लगाएगा, हम नए सिंधी हैं, हम उर्दू बोलने वाले से। ये क्या हरकत है। मैंने अभी साथियों के सामने ये बात कही कि मैं आफाक अहमद शफकत हुसैन का बेटा, मैं फखर से कहूंगा कि मैं आफाक अहमद सैयद शफकत हुसैन का बेटा। अगर मैं मसलहतन ये कह दूं कि मैं तो इरशाद खान का बेटा तो लानत है मेरी शक्ल के ऊपर। ये कौन सी मसलहत है कि आप अपनी शनाख्त को खोगे और आप अपने आप को कहें नया सिंधी। कहां से नया सिंधी, तुमने जिस शनाख्त के लिए हर घर से एक बेटा मांगा था और लोगों ने अमलन अपना बेटा कुर्बान किया और मैंने वो जनाजे भी अटेंड किए जिसके अंदर माएँ रो रो कर और बाप रो रो कर कह रहा था कि इस महाजन नाम पर मेरे बाकी बेटे भी कुर्बान हैं। उस महाजन नाम को तुम दफन करना चाहो तो जाहिर है मैंने अलहदी इख्तियार की थी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि कौमें जिंदा रहती हैं अपने वजूद के साथ। हम अपना वजूद खोकर अगर हम अपने हक की बात भी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जब मैं हूं नहीं तो मेरा हक कहां से, मेरा कोई वजूद है तो मैं अपना हक मांगूंगा ना। मैं अपना वजूद खो के कहूं मेरा हक दे दो तो तुम्हारा वजूद है कहां। मैं सिंधी नहीं, पठान नहीं, बलूची नहीं, मैं पंजाबी नहीं तो मेरा अपना वजूद है ना। मैं लियारी गेंद वार के 100 लौंडों की कोई कौम तो नहीं है, कोई पार्टी तो नहीं है। 2.5 करोड़ महाजर अवाम मुश्तमिल एक महाजर कौम जिससे बनती है। तो मुझसे अगर शनाख्त छीनी जाए तो गलत है।